धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। ये सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हमें हर वक्त पिता संभाल के रखता है पिता परमेश्वर, और आगे भी तो मुझे संभाल के रखेगा पिता परमेश्वर। पिता हमें बुद्धि दीजिए पिता, हे पिता आपने पिता हमारे लिए अपनी जान दी पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर आप सूली पे चढ़े पिता, और हम सब के लिए पिता परमेश्वर आप तीसरे दिन फिर से जी उठे पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक बात में पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, दिल से पिता आपको धन्यवाद देती हूँ। तू महान है पिता, तू दयालु है पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आइए पिता हमारे बीच में उपस्थित होइए पिता, वचन में मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। एक बार फिर से पिता मैं अपने आप को, मेरी फैमिली को और सभी को पिता, और जिन जिन भाइयों मेरा ये वचन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर तेरी दया हो पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ। सारा धर्म महिमा आपको देती हूँ, प्रार्थना आमीन। लूका 9 उसकी पहली आयत, फिर उसने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना तो लाठी न झोली न रोटी न रुपए और न दो दो कुर्ते, जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों को धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकल कर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते। इसलिए पर आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़े गए सुने गए आशीष दे परमेश्वर। पिता हमारा पिता महान, वो हर वक्त हमें संभाल कर रखता है और हमें हर समय बचाता है, हर एक परेशानी से हर एक बीमारी से बचाता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, हर समय उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद करो। आप सभी भाइयों के जय मसीह के।